रणजीत बच्चन के हथियारों की तलाश में यूपी पुलिस नाकाम साबित हो रही है। बता दें कि रणजीत बच्चन हत्याकांड में एक दिन बीत गया है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो हत्याकांड में पुलिस के हत्थे अब तक हत्यारे नहीं चढ़े हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज के सहारे लखनऊ पुलिस हत्यारों की खोज कर रही है। पुलिस लोकल इंटेलिजेंस का भी सहारा ले रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसमें फेल साबित हो रही है। तो हाई प्रोफाइल हत्याकांड को अंजाम देकर आसानी से फरार हुए हत्यारे और पॉश इलाके में हत्याकांड को अंजाम दिया गया और आसानी से फरार होने के बाद अब तक पुलिस के हत्थे ये बदमाश नहीं लगे हैं। तो आपको बता दें कि रविवार सुबह हिंदूवादी नेता रणजीत बच्चन की हत्या को अंजाम दिया गया था। हजरतगंज के ग्लोब पार्क के बाहर गोली मारी गई थी और उसके बाद उनकी हत्या की गई और उस हत्या को लेकर अब तक कुछ कामयाबी फिलहाल यूपी पुलिस को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एक दिन का वक्त पूरा बीत चुका है लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो सीसीटीवी फुटेज उसको खंगाला जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक शॉल ओढ़ता हुआ शख्स दिख रहा है, जिसको कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और पकड़ के लिए हालांकि इनाम का ऐलान भी किया गया है। 8 टीमें गठित की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कामयाबी अभी तक यूपी पुलिस को नहीं मिली है। तो ये संदिग्ध आप देख सकते हैं, शॉल ओढ़कर जो वहां पर नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में, ये तस्वीर सामने आई है, लेकिन कामयाबी अभी तक इसको पकड़ने में पुलिस को नहीं मिली। और गगन मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गगन, क्या अपडेट अभी तक, क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है जैसा कि जानकारी मिल रही है कि संदिग्ध की फोटो भी जारी की गई है, इनाम का ऐलान भी किया गया है, 8 टीमें भी घोषित की गई है, ऐलान किया गया है, गठित हैं, लेकिन उसके बावजूद एक दिन बीत गया, हाथ अब तक खाली। देखिए, जब लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया तब कहा गया कि हमारी पुलिस बहुत मजबूत होगी, लेकिन मजबूती का ये आलम है कि 24 घंटे हो चुके हैं, केवल पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज में एक 10 सेकंड का विजुअल के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं है। लगातार 8 टीमें काम कर रही हैं, गोरखपुर लखनऊ में छापेमारी हो रही है, जांच की जा रही है, हर पहलू में पूछताछ हो रही है, लेकिन जो रिजल्ट है वो अभी तक फिलहाल सिफर है। बॉस इलाके में तो हत्यारे आते हैं, एक हिंदूवादी नेता की हत्या करके चले जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली हैं, ये काफी सवाले निशान खड़ा करते हैं। जिस शहर में करीब 8 आईपीएस अधिकारी डीएसपी के रैंक में हो, जेसीपी 2 हो, एक सीपी हो, कई एसीपी हो, उसके बावजूद गगन जाहिर सी बात है कमिश्नरी सिस्टम इसीलिए लागू करने की बात की गई थी, इसलिए दावा किया गया था कि अपराध पर लगाम लगेगी, कानून व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं, पोल खुलती हुई दिख रही है। अभी पुलिस का कुछ कहना है कि कितना वक्त लगेगा, कहाँ तक जो कार्रवाई है अपराधियों को पकड़ने में पहुंची है? देखिए, कल तो पुलिस दावे कर रही थी 24 घंटे के अंदर हत्यारों के सामने सबके सामने होगा, लेकिन अभी 24 घंटे हो चुके हैं, उनको देर रात केवल एक सीसीटीवी फुटेज मिला जो वो जारी करते हैं, 4 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज था जिसमें साफ तौर पे 2 लोग दिख रहे थे जो कि आदित्य श्रीवास्तव, जो मृतक रंजीत श्रीवास्तव के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा था, उसके बयान के आधार पर बिल्कुल बराबर निकला। लेकिन अभी तक किसी नतीजे पे पुलिस पहुंच ही नहीं सकी कि आखिरकार किस एंगल पे उसकी हत्या हुई है। पुलिस को शक था उसके घरेलू विवाद पे, पुलिस को 2 पत्नियां थी उनपे भी शक था, साथ ही साथ जो हिंदू कट्टर हिंदूवादी एक उनके बयान हुआ करते थे उस पहलुओं की काफी जांच परख कर रही है पुलिस, जिससे कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी उस एंगल में भी पूछताछ जांच हो रही है। लेकिन फिलहाल 24 घंटे होने के बाद भी रिजल्ट सिफर है, तो काफी गंभीर स्थिति है उसमें लखनऊ पुलिस की। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कल दिल्ली में ही ये डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को निर्देश दे दिए गए थे, जितने जल्द से जल्द अनावरण हो उस पूरे मामले का, वो लखनऊ पुलिस के लिए अच्छा होगा। तो गगन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कई अहम पहलू हैं, कई अहम बिंदु हैं जिनको लेकर छानबीन जारी, लेकिन फिलहाल किसी पर आशंका, क्योंकि एक मामला ये भी सामने आया था कि लूटपाट के इरादे से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पारिवारिक विवाद भी है और फिर उनके बयान जिनको लेकर वो हमेशा से चर्चा में रहते थे, हिंदूवादी जो बयान थे उनके, वो कहीं ना कहीं किसी को आहत हुए उसके चलते ये अंजाम दिया गया, तो अभी कोई शुरुआती आशंका जिसके बिना पर जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जा रहा हो? ये फिलहाल लखनऊ लूट के आशंका को बिल्कुल दरकिनार कर चुकी है, क्योंकि लखनऊ इतना भी बदनाम नहीं रहा है कि सुबह 6:30 बजे कोई लूट के
चलते किसी के सर पे रख के पिस्टल फायर कर दे। फिलहाल लूट का दरकिनार किया है पुलिस की, सिर्फ इस समय दो एंगल पे जांच कर रही है, जिसमें एक घरेलू विवाद हो सकता है जिसमें उसकी दोनों पत्नियों के साथ काफी विवाद चल रहा था, पहली पत्नी से विच्छेद हो चुका था और दूसरी पत्नी की छोटी बहन ने उसके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। दूसरा एंगल उसका हिंदुत्ववादी, जितना कट्टर हिंदुत्व उसके एजेंडा था जो सोशल मीडिया पे काफी आक्रामक था एक समुदाय को लेकर, उस एंगल पे भी जांच चल रही है। फिलहाल अभी तो केवल पुलिस के हाथ में सिर्फ उन दो लोगों का चेहरा है जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उस घटना के पीछे किस कौन साजिश करता था या वो घटना जो जिन्होंने की वही मेन अक्यूज्ड हैं। फिलहाल सिर्फ अभी वीडियो जारी किया गया है, इनाम की भी घोषणा की गई है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस उस साजिशकर्ता तक नहीं पहुंच पाई है, उस मोटिव तक नहीं पहुंच पाई है जिसके चलते रंजीत बच्चन की हत्या की गई है। देखो गगन, ये बताइए, परिवार का अब तक एक दिन बीत गया है, कोई कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नहीं दिख रही है जिस तरह से कुछ उनका कहना है, और समर्थक हमने कल जैसा कि तस्वीरें देखी थी कि काफी आक्रोशित थे और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे बदमाशों के, अपराधियों की, तो ऐसे में क्या एक दिन बीत जाने के बाद ये जो मांग है वो और तेज होगी? बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि कल जिस तरह से रंजीत बच्चन के परिवार वाले और कार्यकर्ता उनके समर्थक जिस तरह से हंगामा कर रहे थे, उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आकर उनको समझाया, जिसके बाद उन समर्थकों ने पुलिस को 24 घंटे की मोहलत दी थी। अब 24 घंटे बीत गए हैं और 24 घंटे बीतने के बाद जो समर्थक है उनका क्या स्टैंड होता है, क्या वो अभी पुलिस को और समय देते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि पुलिस की कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मंशा है कि जल्द से जल्द वो अपराधी पकड़े जाए जिन्होंने उनके रंजीत बच्चन की हत्या की है। लेकिन ये जरूर है कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनके समर्थक लगातार उनके होशियार बिल्डिंग स्थित घर में पहुंच रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। पुलिस के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लखनऊ में ही डिफेंस एक्सपो का आयोजन कर किया जा रहा है जिसमें देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो उसके चलते पुलिस के सामने डबल चुनौती है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना, दूसरा उन हत्यारों को पकड़ना जिन्होंने इतनी बड़े हाई प्रोफाइल हत्याकांड को अंजाम दिया, वो भी लखनऊ के काफी पॉश इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल धन्यवाद आपका गगन हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी जुड़ेंगे बाकी अपडेट्स के लिए।